नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 25 मार्च 2024 दिन सोमवार। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह पर्व आपके जीवन में समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए। हिमाचल प्रदेश के आज के 10 महत्वपूर्ण और मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिले प्रकाश चौधरी, मंडी सीट पर मंत्रणा। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान के बीच पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। करीब एक घंटे तक बंद कमरे में दोनों के बीच हुई बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान मंडी लोकसभा सीट के संभावित प्रत्याशी और कांग्रेस के बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बदले राजनीति हालात पर भी चर्चा हुई है। प्रकाश चौधरी भाजपा और हिविका गठबंधन में मंत्री रहे हैं। उस वक्त चौधरी को हिमाचल की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले पंडित सुखराम का काफी करीबी माना जाता था। बाद में उनकी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से काफी नजदीकियां रही। वीरभद्र सरकार में भी वह आबकारी एवं कराधान मंत्री रहे। मुख्यमंत्री सुखू राजनीति के शुरुआती दौर में पंडित सुखराम के करीबियों में गिने जाते थे। ऐसे में इस राजनीतिक मिलाप को कांग्रेस की नई रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि दोनों के बीच हुई इस चर्चा के दौरान मंडी संसदीय सीट पर जिताऊ प्रत्याशियों के नाम भी सुझाए गए। होली पर सुबह लोकल रूटों पर कम चलेंगी HRTC बसें। होली के मौके पर सोमवार सुबह के समय लोकल रूटों पर कम संख्या में बसें चलेंगी। लंबी दूरी की रूटों पर बसों का संचालन सामान्य रहेगा। HRTC प्रबंधन ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को होली के दिन दोपहर 12 बजे तक यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। 12 बजे के बाद सभी रूटों पर निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से बसें चलाई जाएंगी। निगम प्रबंधन ने होली पर शराब पीकर ड्यूटी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम के निरीक्षण दस्ते पूरे दिन सक्रिय रहेंगे। प्रबंधन की ओर से डिपो को निर्देश दिए गए हैं कि होली पर बस अड्डों पर हुड़दंग न मचने दें। कार्यालय परिसर, वर्कशॉप, बस अड्डे पर कोई भी कर्मी शराब के नशे में ना हो। होली खेल रहे लोगों के साथ HRTC स्टाफ अनावश्यक ना उलझें। सुबह के समय बसों का संचालन जरूरत के अनुसार यात्रियों की उपलब्धता पर करें। चालक परिचालक शराब के नशे में ड्यूटी ना करें। केलांग उदयपुर ब्लॉक यूंका अध्यक्ष का इस्तीफा, नाहन में बागियों और भाजपा नेताओं के फूके पुतले। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में राजनीतिक उठापटक जारी है। पूर्व विधायक रवि ठाकुर के भाजपा में शामिल होने के बाद युवा कांग्रेस के दो ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत लेकी को इस्तीफे सौंप दिए हैं। चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं जिला अध्यक्ष अजीत ने कहा कि युवा कांग्रेस के केलांग ब्लॉक अध्यक्ष रोहन और उदयपुर ब्लॉक के अध्यक्ष चिराग ने उन्हें अपना इस्तीफा दिया है। पूर्व विधायक रवि ठाकुर के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके चहेते भी कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। केलांग और उदयपुर ब्लॉक के दोनों युवा नेताओं के इस्तीफा देने से कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे युवा शक्ति कमजोर नहीं होगी। कहा कि युवा कांग्रेस एकजुट है और आगामी लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनाव में अपनी भूमिका बखूबी निभाएगी। शीघ्र ही संगठन की मजबूती को लिए केलांग और उदयपुर में नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। मंडी के राज देवता माधोराय के साथ हजारों लोगों ने खेली होली। मंडी के ऐतिहासिक सैरी मंच पर रविवार को हजारों लोगों ने राज देवता माधोराय की पालकी के साथ होली खेली। दोपहर करीब 2 बजे राज देवता माधोराय की पालकी दरबार से निकली तो लोगों ने पालकी पर रंगों की बौछार कर दी। इसके बाद यह पालकी माधोराय मंदिर से चौहाटा समखेतर होते हुए भूतनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर में बाबा भूतनाथ को रंग लगाने के बाद इसी रास्ते से दोबारा पालकी अपने मंदिर पहुंची। इसके बाद मंडी के सैरी मंच पर हजारों लोगों ने DJ की धुन पर नाचते हुए होली पर्व मनाया और एक दूसरे को रंग लगाया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। तेलिंग नाला के पास HRTC बस पर गिरा हिमखंड, बाल बाल बचे 17 यात्री। केलांग मनाली सड़क पर रविवार अपराह्न 4:15 पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो की बस पर तेलिंग नाला के पास हिमखंड गिर गया। इससे बस के कुछ शीशे टूट गए। हिमखंड गिरते ही बस में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बस में सवार सभी 17 यात्री बाल बाल बच गए। यह बस 1:30 बजे केलांग से कुल्लू के लिए निकली थी।
बताया जा रहा है कि रविवार को सिसु से अटल टनल रोहतांग के बीच पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ा था। ऐसे में जाम लगने के कारण बस तेलिंग नाला के समीप रुकी थी। सड़क के दोनों तरफ बर्फ की दीवार थी। इसी बीच पहाड़ी से हिमखंड बस के ऊपर आ गिरा। यात्रा के अनुसार अगर हिमखंड ज्यादा बड़ा होता तो जानमाल का नुकसान हो सकता था। हिमखंड गिरते ही यात्रियों में दहशत फैल गई और अफरा तफरी मच गई। कंपनी के केमिकल युक्त टैंक में टुकड़ों में मिला कामगार का शव। धागा बनाने वाली बिरला कंपनी में ठेकेदार के पास काम करने वाले कामगार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक 4 दिन से लापता था। इस मामले में मृतक के भाई ने ठेकेदार पर केमिकल युक्त पानी के टैंक में धक्का देकर हत्या का आरोप लगाया है। जिस दिन कामगार कंपनी में ड्यूटी पर आया उसकी आने की एंट्री है, लेकिन बाहर जाने की कोई सूचना नहीं है। 4 दिन के बाद धागा मिल के डाइंग सेक्शन में पानी के टैंक को मोटर से जब खाली करते वक्त शव के टुकड़े केमिकल युक्त गर्म पानी के साथ बाहर आए। यह हादसा है या किसी ने उसे फेंका, पुलिस इसकी जांच कर रही है। कंपनी में बायोमेट्रिक मशीन से कामगारों को एंट्री होती है। जब कामगार अंदर आया पर बाहर नहीं निकला तो ठेकेदार ने इसकी सूचना कंपनी प्रशासन और पुलिस को क्यों नहीं दी, इसे मामला पेचीदा लगता है। SP इल्मा अफरोज और ASP अशोक वर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया। SP ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस को 9 में से 1, भाजपा को चाहिए 10 का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 9 में से सिर्फ 1 और भाजपा को 10 विधायकों का आंकड़ा चाहिए। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस के पास अभी 34 और भाजपा के पास 25 विधायक हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला, सुजानपुर, गगरेट, कुटलेहड़, बड़सर और लाहौल स्पीति में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में भी 1 जून 2024 को ही उपचुनाव की घोषणा जल्द होने के आसार हैं। उपचुनाव में अगर भाजपा ही सभी 9 सीटें जीती तो प्रदेश में फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए दोनों दलों को 35 विधायकों की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में सत्ता की खातिर आने वाले दिनों में हिमाचल में और सियासी घटनाक्रम होने के आसार बने हैं। बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के अलावा 34 विधायकों का संख्या बल जरूरी है। विधायकों की संख्या बराबर होने पर ही विधानसभा अध्यक्ष मतदान कर सकते हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 34 है। ऐसे में अगर बहुमत साबित करना पड़ा तो कांग्रेस के 33 विधायक सदन में मतदान कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकों से कई अध्याय हटाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम कम करने की कवायद के तहत 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकों से कई अध्यायों को हटा दिया है। इसके चलते अब 7वीं के बच्चे विज्ञान की पुस्तक में जल एक बहुमूल्य संसाधन अध्याय नहीं पढ़ेंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में होने वाली पढ़ाई के दौरान इसे पाठ्यक्रम से हटाया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने NCERT के निर्देशों के बाद इसको हटाया है। इसका मकसद पाठ्यक्रम को 30% कम करना है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की ओर से तैयार पुस्तकों को उनकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मुद्रित करवाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रमों में कुछ अध्ययन सामग्री को हटाए जाने के फलस्वरूप पाठ्यक्रम में युक्तिकरण किया गया है। अलग अलग मामलों में 3 आरोपी चिट्टा व चरस सहित गिरफ्तार। पुलिस ने भुंतर में 3 अलग अलग मामलों में आरोपियों को चिट्टा व चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ये 3 मामले भुंतर पुलिस थाने के हैं। पहले मामले में पुलिस टीम ने बहुगुना गड़सा सड़क पर गश्त के दौरान कुंदराम उम्र 38 वर्षीय पुत्र गेहरू राम निवासी चिरपना डाघर गड़सा के कब्जे से 956 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं दूसरे मामले में बड़ा भूहिन में गश्त के दौरान संजय ठाकुर उम्र 30 वर्षीय के कब्जे से 350 ग्राम चरस बरामद की है। तीसरे मामले में गश्त के दौरान त्रेहण चौक पर साहिल सखुजा उम्र 35 वर्षीय से 7.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना भुंतर में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माननीय अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत में आरोपियों का रिमांड लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मतदान करेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश समेत पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मतदान करेगा। देश पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहा है जिसकी हर बात पत्थर की लकीर है। देश को पहली बार ऐसी मजबूत सरकार मिली है जो कहती है वह करके दिखाती है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि देश पहली बार ऐसे नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है जो विकास के अलावा कोई और बात ही नहीं करता है। देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए काम कर रहा है, जो देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं। देश को भविष्य में ऐसे ही मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस के बड़े नेता तो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस का यही हाल है। झूठी गारंटी के कारण प्रदेश में कांग्रेस की यह हालत हुई है। विधानसभा आम चुनाव में महिला सम्मान निधि के फर्जी फार्म भरवाकर कांग्रेस ने मातृशक्ति के साथ जो छल किया था, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। आज वह महिलाओं को फार्म भरवाने वाले स्थानीय स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपना पैसा मांगती हैं, तो उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।